अम्बाला और पटियाला के लिए सिरदर्द बने तीन लुटेरों को अम्बाला पुलिस ने पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने इनसे एक मोटरसाइकिल, 8 मोबाइल और 2 चाकू बरामद किए हैं। एसपी अम्बाला ने बताया कि ये नशे की पूर्ति के लिए ये लोग लूटने का काम किया करते थे। पकड़े गए आरोपितों में से एक जिम ट्रेनर, एक टैटू मेकर है। नशे की पूर्ति के लिए एक जिम ट्रेनर व टैटू मेकर लुटेरे बन गए और लोगों को लूटने का काम शुरू कर दिया। इन लोगों ने अम्बाला और पटियाला इलाके में लूटपाट शुरू कर दी। इनकी इसी गलती ने इन्हें पुलिस की गिरफ्त में पहुंचा दिया है। एसपी अम्बाला ने बताया कि सीआईए ने राजपुरा के रहने वाले रविंद्र उर्फ रवि, जो की एक टैटू मेकर है और सत्ता जिम ट्रेनर है, और दविंदर को गिरफ्तार किया है। ये तीनों नशे की पूर्ति के लिए लोगों को हथियार दिखाकर लूटने का काम करते थे। इन तीनों ने अम्बाला व पटियाला में कई वारदातों का अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस ने इनसे 2 चाकू, 1 मोटरसाइकिल व लूटे गए 8 मोबाइल बरामद किए हैं। इन्हें रिमांड पर लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। CIA1 अम्बाला की टीम द्वारा एक लूटपाट के गिरोह का पर्दाफाश किया गया। हमारी टीम द्वारा तीन लूटपाट के आरोपियों का एक पूरा गैंग अरेस्ट किया गया, जो काफ़ी टाइम से अम्बाला और पटियाला जिला के अंदर एक्टिव था। इनकी डिटेल्स इस प्रकार से हैं। रविंदर उर्फ रवि, ये राजपुरा का रहने वाला है। सतनाम उर्फ सत्ता, ये भी गांव नीलपुर राजपुरा का रहने वाला है। और दविंदर उर्फ काका, जो कि गन्नौर राजपुरा का रहने वाला है। ये सारे के सारे जो आरोपी थे, ये नशे के आदि थे और काफ़ी टाइम से अपनी नशे की लत को पूरा करने के लिए ये लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। हमारे अम्बाला के अंदर इस गैंग ने तीन लूटपाट की घटनाओं का इन्होंने डिस्क्लोज़ किए हैं, जिसके अंदर पंजोखड़ा के अंदर इन्होंने अक्टूबर 2022 के अंदर गर्दन के ऊपर चाकू लगाकर एक मोबाइल और एक मोटरसाइकिल लूटा था। इसी प्रकार से इन्होंने बलदेव नगर से एक मोबाइल कुछ ही दिन पहले लूटा था, और एक 2021 दिसंबर में इन्होंने एक ठेके के से कुछ कैश और दारू लूटी थी। ये जो आरोपी हैं, इसमें रविंदर जो है ये एक टैटू मेकर है, जबकि जो सत्ता है वो एक जिम ट्रेनर है, और इनका पहले भी क्रिमिनल हिस्ट्री रही है, जिसमें से 2 आरोपियों के ऊपर, एक के ऊपर छेड़खानी का और दूसरे के ऊपर लड़ाई झगड़े का केस दर्ज है। हमने इनसे एक मोटरसाइकिल और हमने जो ये हथियार ये यूज़ करते थे, 2 वो चाकू और 8 मोबाइल फ़ोन जो है हमने रिकवर किए हैं। ये बेसिकली जहाँ पे भी इनको कोई, चाहे शहर के भीतर हो या हाईवे, कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है, जहाँ पे भी कोई व्यक्ति इनको वल्नरेबल दिखता था तो उसको ये अपना विक्टिम बनाते थे। हमने ऐसे इनको कल अरेस्ट करके और इनको 4 दिन के रिमांड पे लिया। हमें उम्मीद है कि इसमें और भी खुलासे हो सकते हैं। पंजाब में भी कुछ इन्होंने वारदात को अंजाम दिया है। जैसे मैंने बताया कि 3 हमारी यहाँ की वारदातें हैं, और इसके अलावा जो हमने 6 और मोबाइल फ़ोन्स रिकवर किए हैं, वो सारे के सारे पटियाला के अंदर अलग अलग घटनाओं के अंदर इन्होंने स्नैच कर रखे हैं। इन्होंने जो हमें बताया उसमें काफ़ी लगभग आधा दर्जन से दर्जन के बीच इन्होंने वहाँ पर भी घटनाओं को अंजाम दे रखा है, स्नैचिंग की घटनाओं को। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।